भाई आपका भी ये वाला एक्सपीरियंस करना, कुरकुरा देखो किस चीज पे खा रहा हूँ मैं। गोंची पे कुरकुरा खा के देना, रात में नींद वाला गोलू खा के सो जाना, माइंड पे स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा इसलिए दर्द हो रहा है। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। भाई सुबह सुबह एकदम उठ गया हूँ मैं आज। देखो कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है ना, 6:30 हो रहा है, लेकिन मैं 6 बजे का ही उठा हुआ हूँ। अभी फ्रेश व्रेश हो गया, नहाया नहीं भाई, क्योंकि दुकान खोल के आऊंगा ना तब नहाऊंगा, मैं ऐसा आदत डाल रहा हूँ। अभी मेरे को जाना है भाई जॉगिंग पे, जॉगिंग ही नहीं, सामने जो मल्टीपर्पज स्कूल है ना उसमें 5 राउंड मारने का मैं सोच रहा हूँ, ताकि मेरा बीपी अच्छा रहे, डॉक्टर ने बोला है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई डेली का मैं बनाऊँ कैसे भी करके, मतलब दौड़ने का थोड़ा सा तो दौड़ूँ। देखो पेट वेट उतना नहीं है मेरा कि कम करूँ मैं दौड़ के, बस मैं बीपी वगैरह बढ़िया रहे मेरा और सिर बढ़िया रहे, और कुछ नहीं चाहिए भाई मेरे को। क्योंकि जब ये सब प्रॉब्लम होता है ना तो समझ रहे हो काम में मन नहीं लगता, जब काम में मन नहीं लगता तो अंदर से वो मज़ा नहीं आता, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए भाई मैंने प्लान किया है कि डेली जॉगिंग करूँगा। वैसे कल भी मैं किया था, आप सभी को बताया नहीं था, कल सुबह ही उठ गया था मैं, हालांकि थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन हाँ 5 राउंड मारा था मैं। देख रहे हो भाई कितना उजाला हो गया है। अभी मैं आपको टाइम नहीं दिखला सकता क्योंकि मेरे पे घड़ी नहीं है। अभी इसी के अंदर जाना है ना, ये मल्टीपर्पज स्कूल के अंदर, तो हमको उधर से होके जाना पड़ेगा क्योंकि इधर को कहीं पे जगह नहीं है भाई घुसने का। देखो यहाँ पे भी एक गेट है लेकिन ये बंद रहता है भाई। अभी अपने को और आगे जाना है। देखो जी ये रहा मेन गेट घुसने का, खुला है ना, और लोग जॉगिंग कर रहे हैं यार, देख रहे हो, इधर भी इधर भी इधर भी। अब हम भी थोड़ा दौड़ लेते हैं, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो वही भाई जॉगिंग से आया, थोड़ा चाय वाय पिया और अब चलते हैं दुकान पे, नहाए धोए नहीं हुआ अभी, इधर अपना पानी भरा चुका है पीने वाला। चाबी दहो गाड़ियों के मछले अभी बने, उतना समय लगे हमारे जाके बाद वीडियो शूट करें। भाई अभी दुकान उकान तो लगा दिया, देख सकते हो आप एकदम बढ़िया सामान भर दिया, प्याज इधर बना रहा था, हाँ देख रहे हो ये भी, हाँ देखो भाई ऐसे मतलब प्याज ढार के बोरा में से फिर इतना फ्रेश बनाना पड़ता है। म्यूजिक चल रहा है अपना आरंभ है प्रचंड, इसका अलग ही स्वाद है भाई। अभी पता है थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द है अभी है भाई, जाके आराम करूंगा घर पे, कहीं जाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो भाई हमारा ड्यूटी पूरा होने वाला है। देखो सब्जी हो गया, सेम लिया है पापा ने, मूली लिया है, साग दो दो ले लिया है, इसको इसमें डालते हैं खुल जा सिल। देखो भाई नया आलू कितना मस्त लग रहा है यार, मज़ेदार एकदम है, और मैंने देखो कितना अच्छा से सरिया भी दिया है, एकदम लाइन बाई लाइन अच्छा लग रहा है देखने में। सोनाम अरे मर्द सुतल बड़ा का जौन जौन तू साग मंगल रहा ला दे बना, ओ भाई सब गाजर मिला मेरे को, बहन हो तो ऐसी। थैंक यू सो मच सोनाम, थैंक यू सो मच। भाई आपका भी ये वाला एक्सपीरियंस करना, कुरकुरा देखो किस चीज़ पे खा रहा हूँ मैं, गोंची पे कुरकुरा खा के देखना, अलग लेवल का मजा आएगा भाई एकदम। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ ना, नहाया नहीं ना, कुरकुरा लाया था तो बहन खा रही थी, मैं सोच रहा था कि नहा के आऊँगा तो खाऊंगा, ये खा जाती इसलिए मैं छीना भाई अभी ही। तो अभी भाई मैं नहा धोवा तो लिया, हेलमेट भी ले लिया, एक जगह जाना है शूट करने तो फटाक से चलते हैं। ये बहन साग का रेसिपी पूछ रही है बिहार वाली बहन से, उसको बनाने तो आता ही नहीं है। दे जल्दी दे फोन यार, ये पकड़ लेती है ना लड़की, देती नहीं है जल्दी भाई, इसीलिए लेट हो जाता है। चलते हैं फटाक से, अब ये वाला चप्पल पहन लेता हूँ, दोनों को धो दिया भाई, देखो कितना चमक रहा है। भाई सूट उठ करके तो आ गए, इतना थका हो ना पूछो मत, पैर में इतना दर्द हो रहा है ना पूछो मत, हाँ खाना निकाल पूछिए, जाके वहाँ दुकान पे 1:30 बज गए। हाँ भाई पापा के भूख लागल हुई, बहुत ही ज़्यादा डील हो गया, मेरा टारगेट था 12:30 तक और 1:30 बजे, 1 घंटा में डिले हो गया भाई अपने टारगेट से। फ़ोन चार्ज लगाते हैं पहले। तो अभी भाई वहाँ से आके कब का दुकान पे ही बैठा हूँ मैं, और अपना ड्यूटी भी पूरा हो गया, देखो 4:30 होने वाला है, बहन को छोड़ने जाना है, पिताश्री आ चुके हैं, जाता नहीं, और हमारे बादल भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं, चला ना पा क्या जी तुरंत। भाई आज भी वैसे ही हाल है भाई, सिर दर्द वैसे ही कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आज भी बीपी एक बार नपवा लूँ, आवा तो तब हम ले जी अपन गड़िया। भाई वहाँ पे गया था, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थे, मतलब उनका जो हॉस्पिटल था वो बंद ही था, इसीलिए चेक नहीं हो पाया,
अभी बहन को ट्यूशन छोड़ना है ना, तो इसी की वजह से आ गया घर पे। उसको ट्यूशन छोड़ के कहीं मेडिकल पे ना पाऊंगा। चल जल्दी चल, चल चल ले चाबी गाड़ी के। हाँ यार, हेलो बादल भाई मैं चेक करवाया अभी, ज्यादा बा हो 165-91 बा, तो 120 हो के चाहिए। तो अभी भाई घर पे तो आ गया, डॉक्टर से बात हुआ, वही हाल है यार। बोल रहा है कि रात में नींद वाला गोलू खा के सो जाना, माइंड पे स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए दर्द हो रहा है। अभी लगे हाथ में लड्डू भी ले आया, ये भी ले आया भाई, तिलकुट एक, वो मज़ेदार नहीं है यार, गुड़ वाला तिलकुट मेरे बस का बात नहीं है, बहुत ही घटिया लग रहा है मेरे को। ये खाता हूँ और सोऊंगा भाई, देखो कितना टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है ना, तो उठूँगा वही 6-6:30 बजे बहन को लेने जाऊँगा। अभी तो जा रहा हूँ एकदम मज़े में सोने, मेरे बस का नहीं है भाई कुछ भी बोलना या फिर कुछ भी करना। तो अभी भाई बहुत देर बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, दुकान का अपन बढ़ा के आ चुके हैं, तबीयत ठीक नहीं रह रहा भाई, बहुत ही सिर में दर्द रह रहा है, इसलिए मैं ब्रेक लिया था। बाकी इधर देखो पापड़ी लाया था बहन के लिए, यही है भाई पापड़ी चाट, मेरे को खिलाएगी क्या? अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो दिन खेल रहे थे कौन रहे, अच्छा ना लग रहा, वो पहल का दिन रहे चलते ना भाई, जब ये बिहार से आई थी ना यहाँ पे पहली बार, तो मैं इसको पहला बार पापड़ी चाट ही खिलाया था ना, कुछ का कुछ ना खिले रही ना, हाँ तो इसलिए शायद अच्छा नहीं लगा, आज ये दूसरा बार खा रही है, छः महीना हो गए ना। आज भाई डिनर में बन रहा है देखो, यही रोटी और इधर रहा मटर आलू का सब्जी होगा मेरे हिसाब से, हाँ देखो गोभी मटर आलू का सब्जी मज़ेदार है। तो चलो जी, इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, ज़्यादा नहीं करते हैं। अभी मैं खाऊंगा और नींद का गोली भी खाऊंगा और सोऊंगा भाई, क्योंकि सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, समझ रहे हो ना। कल सुबह जल्दी भी उठना है, जॉगिंग भी करना है, उसके बाद मंदिर भी जाना है, मंदिर कल नागा नहीं करना है किसी भी हाल में। चलो मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग में, ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.